हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ और मेरा मूड बहुत ही ऑफ था क्योंकि इस होटल से रिजॉर्ट का ट्रांसफ़र हमें बताया गया था लाइक अराउंड 6-7 o'clock, और रात को हमें कॉल आती है कि आपका ट्रांसफ़र इवनिंग 5 o'clock होगा, और फिर सडनली सुबह ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद हमें कॉल आती है कि आप 10 मिनट में एयरपोर्ट आ जाओ, सो हम ट्राई करते हैं आपका ट्रांसफ़र जल्दी कराने का। तो 10 मिनट में एनी हाउ कैसे भी बस जल्दी जल्दी रेडी हो गई और हम पहुंच गए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में हमें वहीं रिजॉर्ट से ही एक बंदे आए थे तो वो लोग फिर हमें लेके गए इस बस पे, और इस बस से हमें ट्रांसफ़र किया गया एयरपोर्ट। लाइक वहाँ पे दो एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट जो इंडिया या कोई भी आप कंट्री से आ रहे हो तो वो नॉर्मल एयरपोर्ट है, और एक एयरपोर्ट है जहाँ से सी प्लेन वगैरह का जितना भी ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो उसके लिए अलग एयरपोर्ट है। तो वहाँ से हमें लेके गए सेकेंड एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट तो बहुत प्यारा था नो डाउट, बट अभी भी हम डाउट में थे कि पता नहीं हमारा ट्रांसफ़र कितने बजे का देगा, आज हम टाइम पे पहुंच भी पाएंगे या नहीं। तो हमें फिर वहाँ से लाउंज लेके गया गया, लाइक श्याम वर्ल्ड का ही था वो, श्याम वर्ल्ड हमारा रिजॉर्ट था तो उसके ही लाउंज में हमने वेट किया। वेट करने का मतलब जाते ही हमें पता चल गया था कि अराउंड 12 बजे के आसपास हमारा ट्रांसफ़र होगा, तो हमारे पास कुछ था नहीं ऑप्शन, तो 2 घंटे हमें वेट करना पड़ा वहाँ पे। थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह लिया, मतलब खा के आए थे बट ठीक है, फ्री का था तो खा लिया थोड़ा सा, और लाइक फ्रूट्स वगैरह ले लिया। और वहाँ से व्यू वगैरह तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि चलो थोड़ा जल्दी हो गया ट्रांसफ़र, क्योंकि शाम में पहुँच के तो कोई मतलब नहीं था, वो पूरा दिन वेस्ट हो जाता राइट। और मैंने इसके लिए भगवान को बहुत बहुत मन्नतें भी मांगी थी, एनी और मुझे जा कर के उसे पूरा भी करना है, क्योंकि मैंने भगवान को बोला था प्लीज़ मुझे सुबह का ट्रांसफ़र करा दो तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगी, मतलब पूजा करूँगी, आऊँगी मंदिर ये सब। तो 2 घंटे थे तो थोड़ा बहुत स्पा वगैरह वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री था, तो हम स्पा वगैरह लेके थोड़ा रेस्ट किया। फिर वहाँ से फाइनली हमारा टाइम आ गया, 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे तो फिर हमारा टाइम आ गया। हमारा गेट नंबर था 1, तो गेट नंबर 1 पे गए, मैं खोज रही हूँ, सो फाइनली गेट नंबर 1 मिला, और गेट नंबर 1 गए। वहाँ पे भी अराउंड 10-15 मिनट्स वेट करना पड़ा था हमें, और बोर्डिंग पास हमें मिला था वहाँ के लिए, तो बोर्डिंग पास वगैरह स्कैन वगैरह हुआ, और वहाँ से फिर हमें ट्रांसफ़र मिला अपने रिजॉर्ट के लिए, और वो सी प्लेन ट्रांसफ़र था। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, लाइक आप बोट ले सकते हैं, सी प्लेन ले सकते हैं, हमारा सी प्लेन ट्रांसफ़र था। तो फिर थोड़ा बहुत वेट किया और मैं थोड़ी खुश हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि मतलब ठीक है बहुत सुबह तो नहीं हो पाया बट हो गया था अराउंड 12 बजे, तो कोई बात नहीं। फिर ये सब करने के बाद थोड़ा बहुत चेक वर्क हो गया और हम पहुँच गए अपने सी प्लेन में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, विवेक भी बहुत एक्साइटेड थे, बट हम दोनों एक दूसरे को सूट नहीं कर सकते हैं ना, तो वो मुझे सूट कर रहा है, तो सी प्लेन ट्रांसफ़र मैं बहुत 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 एक्साइटेड थी। तो बस सी प्लेन में बैठे, और हमारा टोटल 1 घंटे का जर्नी था, लाइक 1 घंटे में हम रिजॉर्ट पहुँच जाते। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा सी प्लेन है, लाइक अराउंड 10-12 लोग ही बैठ सकते हैं ऐसा रहता है। तो वहाँ से फिर हमारा स्टार्ट हो गया जर्नी 1 घंटे का, और व्यू अभी तक जितने भी मैंने फ़्लाइट लिए हैं सबसे बेस्ट व्यू यहाँ का था, मतलब आप सो ही नहीं पाओगे ना, आप 1 मिनट के लिए भी इधर उधर देखना नहीं चाहोगे, बस आप देखोगे आप बाहर देखते रहो, और ना बहुत ही प्यारा था। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना पैचेस, वो सारे आइलैंड है, वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह आपको मिलेगा ऐसे ही पानी के बीच में, आपको रिजॉर्ट है सारा 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 ऐसा ही है, जितने भी वाटर रिजॉर्ट है ना वो ऐसे ही है प्राइवेट में, ठीक है। सो फाइनली 1 घंटे का जर्नी कंप्लीट करके हम पहुँच गए, और यहाँ पे थोड़ा सा वेलकम किया गया हमें ड्रिंक और वेट टॉल के साथ, क्योंकि हम बहुत गर्मी थी वहाँ पे, तो पसीना ये वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत गर्मी थी, मतलब इंडिया से तो बहुत ज़्यादा, और मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो पूरी टैन हो गई हूँ वहाँ से आने के बाद। तो फिर ये बगी आया था, बगी हमें लेके गया वेटिंग एरिया में, और वेटिंग एरिया में फिर से हमें
10 to 15 minutes वेट करना पड़ा। मैं एक्साइटेड थी कि मैं रूम जाऊंगी, बट फिर से वेट 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 वेट। फिर वेट करने के बाद हमारा थोड़ा बहुत समझाया गया रिजॉर्ट के आगे पीछे क्या है। बाय द वे हिज नेम इज़ सिमो। तो इन्होंने थोड़ा बहुत समझाया कि कहाँ पे क्या रेस्टोरेंट है, कैसे है, क्या है। फिर हमें भेज दिया गया लंच करने के लिए, और हमारा लंच था टेम्पो में। इस रेस्टोरेंट का नाम था टेम्पो, और यहाँ पे आपको मेनली सारे डिशेस मिल जाएंगे, लाइक इंडियन, अमेरिकन, मतलब मेनली आप कुछ भी खा सकते हो, बट हम लोग ज़्यादा इंडियन ही प्रेफर करते हैं, तो इंडियन खाना खाया। उसके बाद बस रूम पहुँच गई, और रूम तो इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। और ये रिजॉर्ट एक्चुअली इसमें बहुत सारे कैटेगरी थे रूम के, तो हमारा जो था वो लगून वाटर विला था, और ये सबसे बेस्ट था। और मैं आते ही पूल में चली गई हूँ, देख भी रहे हो आप मैं पूल में हूँ। बट मेरा प्लान था मैं बस भाग के आऊँगी और स्लाइड से डायरेक्ट जाऊँगी नीचे पानी में, बट वो बहुत डीप था। थैंक यू विवेक ने वो चेक कर लिया था लिटरली, नहीं तो मैं पता नहीं, मैं एनी हाउ मुझे स्विमिंग आती है बट स्टिल मैं डर जाती यार, बट बच गई मैं। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया, नहा के फिर अच्छे से रेडी हो गई, और ये पूरा रूम में मेस, ये सारा मेस मेरा है। विवेक बहुत ही अच्छे से रखते हैं सारा कुछ, तो सब कुछ मेस वगैरह कर लिया, रेडी हो गए, और ये है नाइट व्यू। बहुत ही डरावना था मेरे लिए। फिर ये मैं और विवेक रेडी हो गई हूँ। कमेंट करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, और मैं थक भी गई थी थोड़ी, और रात भर सोई भी नहीं थी, तो बहुत फ्रेश फील नहीं कर रही थी, बट ठीक है। फिर ये बैग कैरी किया, और ये हमारा रूम से बाहर का व्यू। रात का व्यू अच्छा था, बट मेरे लिए थोड़ा सा लाइक मुझे पसंद नहीं है, लाइक अंधेरा रात ये मुझे नहीं पसंद। तो वो सब करके आई, वो सब निकली वहाँ से, और हम पहुँच गए गेम जोन। अब वहाँ पे हमने बहुत सारे गेम खेले, अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। फिर वहाँ से हमें डिनर के लिए जाना था करी लीव, तो हम करी लीव पहुँच गए। और ये पूरे रिजॉर्ट में एक रेस्टोरेंट था जो इंडियन था, तो हमारे साथ तो यही होता है, मैं खाती हूँ नॉन वेज, विवेक खाते हैं वेज, तो हमें ऐसे दो चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ती है, वेज नॉन वेज। तो वो सब हमने ऑर्डर किया, खाए पिए, और उधर ही एक बार था जहाँ पे सर्कस चल रहा था, तो वो मैं मतलब जा सकते हैं वहाँ पे, कुछ भी ऐसे इवेंट होता है ना तो आप जा सकते हैं, तो सर्कस हो रहा था, तो हम लोग बस वहाँ पहुँच गए और सर्कस इंजॉय किया। आप भी देखो, इंजॉय करो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।